तो गाइस फाइनली मैंने मैकबुक प्रो ले लिया है भाई। काका देख तो रहे हैं भाई, क्या ही लग रहा है यार, प्यारा सा जगह। जय श्री राम दोस्तों, सत श्री अकाल, बड़ों को नमस्ते, छोटों को राम राम। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ फाइनली मेरे लिए एक मैकबुक लेने के लिए। यार बहुत दिनों से मैंने मैकबुक का प्लान किया था, बट फाइनली आज मैं मैकबुक ले लूंगा। तो अभी जस्ट निकलने वाला हूँ मैकबुक लेने के लिए, नहा के रेडी हो गया हूँ। यहाँ पर हनुमान जी का आज कर लिया है अच्छे से पूजा, तो भाई दिन अच्छा जाना चाहिए, बिना हनुमान जी की पूजा के, बिना भगवान की पूजा के कुछ नहीं होता। तो फिर अब निकलूंगा मैं मैकबुक लेने के लिए। फाइनली गाइज यार मैकबुक ले रहा हूँ मैं, मतलब काफ़ी दिनों से मेरा सपना था, मतलब एक ड्रीम टाइप था छोटा सा, बहुत टाइम से देखता था कि लूँगा, बट फाइनली आज वो कंप्लीट होगा। तो अभी मैं निकलूँगा जस्ट मेरा बाइक लेके। जय श्री राम दोस्तों, तो अभी निकल रहा हूँ यार जाने के लिए, जा रहा हूँ नया लैपटॉप लेने। एक पापा जी यहाँ खड़े, अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, चलो आज जा रहा हूँ मैकबुक प्रो M1 लेने के लिए भाई, फाइनली काफ़ी दिनों से सोचा था। जय श्री राम, निकलता हूँ अब। ओके चलो मेन रोड से निकलते फटाफट। यार बहुत टाइम से सोचा था एक मैकबुक लूँगा, फाइनली आज वो दिन आ गया। बट मैं अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मैं मैकबुक एयर लूँ या मैकबुक प्रो लूँ। प्रो में थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा बैठ रहा है मुझे कंपेयर टू M1, तो चलो फाइनली प्रो ही उठा लेते हैं, एयर से बेटर होगा आई थिंक सो। तो थोड़ा एडिटिंग में भी फास्ट हो सकता है क्योंकि CPU थ्रॉटल नहीं करेगा, फ़ैन है उसके अंदर। अब देखते हैं आगे का। और बाकी आपको वीडियो कैसी लगेगी नीचे ज़रूर कमेंट करके बताना। मैंने लास्ट व्लॉग क्या हकलाने लगा हूँ यार मैं व्लॉग बोलने में भी। मेरे को यहाँ से जाना है, जो नया वाला ब्रिज बना है वो ब्रिज से ही जाना है मुझे यहाँ से, तो फिर जल्दी पहुँच जाऊँगा। चलो ये ब्रिज पे थोड़ा अच्छे से रेव कर सकता हूँ गाड़ी को, और यार ट्राई करते हैं इसका क्या ही स्पीड देती है गाड़ी भाई। एक्चुअल में सिंगल रोड ही चालू है लेन, ज़्यादा रिस्क भी नहीं लूँगा भाई। बहुत क्लासी ब्रिज बनाया है यार ये, जिस तरीके से ब्रिज बनाया है ना, नेक्स्ट लेवल ब्रिज है। आगे ट्रैफिक है अच्छा खासा, बट ये ब्रिज बहुत अच्छी बनाई है यार, मतलब रोड वगैरह और बाजू का जो सीनियरी है बहुत ज़्यादा ही आता है। 80 की स्पीड तो चल ही रहा हूँ मैं, और विंड ब्लास्ट तो इतना आ रहा है ना कि क्या बताऊँ बॉडी पे। हमें मुझे आगे वाला यही रोड सीधा निकलना है। अभी भी थोड़ा बड़ा वो पड़ता है वो लगाने में मुझे डर लगता है कि यहाँ से जिस तरीके से गाड़ी अभी हाईवे पे चल रही है, और बाई चांस अगर गिर गया तो फिर लग जाएगी यार पूरी। क्या ही सुहाना रोड है यार भाई, ऐसा रोड मिल जाए तो क्या बात हो। लोग यहाँ पर तो वीडियो निकालने आते हैं मुझे लग रहा है। गाइस 80 इजीली भाई, 80 की स्पीड में तो इतना इजीली चल रही है ना, बेस्ट यार बेस्ट भाई। नो वाइब्रेशन, 1% का वाइब्रेशन फील नहीं हो रहा है मुझे, क्लास है यार ये गाड़ी का, तभी तो यार रॉयल एनफील्ड का इतना रुतबा है भाई। ये ब्रिज के यहाँ का जो रास्ता है यार, यहाँ पर ट्रैफिक मिलती ही मिलती है, बट बाइक है तो फिर ठीक है, कार वालों की तो लग चुकी है भाई यहाँ पर पूरा, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है। बाइक है तब तक ठीक है, कार जहाँ भी डाला वहाँ पर तो लगने वाली है। और एक तो यहाँ बस वगैरह के लिए इतना जगह नहीं है यार, उतना बड़ा रोड नहीं है कि यहाँ पर बस ईजिली आ पाए। भाई आगे कौन सी गाड़ी है ये? ओके चलो ट्रैफिक से निकल चुके हैं, अभी मेन रोड पर आ गए हम लोग। ये हाईवे कौन सा है, गो स्लो भाई, स्लो ही चलते हैं। आगे से जब मर्च होगा तो फिर बढ़ाएंगे अपनी स्पीड।
स्पीड लिमिट 20 लिखा है यार, मैं तो 60 चल रहा हूँ, बट लिटरली एक सच बात है, यहाँ पर 20 कौन चलता होगा। अभी चलो ऑलमोस्ट आधे रास्ते पे पहुँच कर डायरेक्ट मिलता हूँ, इतना पकाऊंगा नहीं आपको। सो गाइज, हमें कंटिन्यू रखना है यही ईस्टर्न एक्सप्रेस वे, ये रास्ते को हमें कंटिन्यू रखना है। अराउंड अभी 4-5 किलोमीटर हो गया, पंगा मार बहन चोत को। चले रिक्शे वालों को है ना यार, थोड़ा तो समझ के चलाना चाहिए यार, गाड़ी कहीं भी डाल देते, ना आगे देखते ना पीछे। टोल बूथ आ चुका है यहाँ पर, तो चेकिंग होगी। मैंने मेरा पेपर, अरे भाई साहब मैंने मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी नहीं किए हैं, ये हो चुका है मेरे साथ लोचा, मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी नहीं किए हैं। बट ठीक है, यहाँ नहीं होंगे, बट आगे तो 101% ये लोग रोकेंगे मुझे, और मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी बिल्कुल भी नहीं किए हैं। गाड़ी है तो मेरे नाम पे ही, मुझे डॉक्यूमेंट्स कैरी करने चाहिए थे बट मैं भूल गया, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। काका देख तो रहे हैं बट हाथ नहीं दिया है। भाई बच गया, यहाँ पर भी रोका नहीं हमें। भाई यहाँ पर जो चेकिंग लगती है ना, यहाँ पर लास्ट टाइम सोनू को हाथ दिया था भाई विराट को, बड़ा तकलीफ हो जाता है यार हाथ दे देते तो, फालतू का मैं डॉक्यूमेंट्स भी कैरी नहीं किया मैंने एक भी मेरा ओरिजिनल। गाइस BMW 1000 RR, क्या ही बाइक है यार, ड्रीम बाइक, ड्रीम बाइक, बहुत जल्दी लेंगे हम भी। क्या आवाज रहती है यार स्मूथिंग से उसकी, अच्छा ऐसा मुंह से नहीं निकल पाता वो आवाज, लेकिन मजा जरूर आता है सुन के। तो गाइस फाइनली मैंने मैकबुक प्रो ले लिया है भाई, और यहाँ से जो थे जिनसे लिया उन्होंने मेरे को पीडीएफ शेयर किया, थैंक यू रौनक आने के लिए भाई, क्लास है यार मैकबुक ये। तो अभी घर पे निकलते हैं मैकबुक लेके, चलिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, घर पे मिलते डायरेक्ट।